हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास ट्वेल्थ आप लोगों के लिए फिजिक्स का 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा था डीआर, उसका आज पार्ट थ्री वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर जो विद्यार्थी पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे डीआर, क्योंकि मैं 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं। चाहे आप दोस्तों इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, चाहे दोस्तों आप लोग हिंदी मीडियम के, ठीक है ना, दोनों के लिए दोस्तों आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। चलिए, वीडियो में बहुत मजा आएगा डियर। तो आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करते रहना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दोस्तों एक एक नंबर का कार्य करेगा, ठीक है ना। चलो, भौकाल मचा देंगे आज। कहा जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, डियर आप लोग को कमेंट करना है कि क्या होता है अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है। डियर आप लोग कमेंट करो। देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति दोस्तों धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है ना, धनात्मक। लेकिन आप लोग देखोगे कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया तो इनमें से कोई नहीं कह सकते, लेकिन स्थिर लगा सकते हो, ठीक है ना। धनात्मक और काम होती है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना स्थिर लगाना है। अगर एग्जाम में आएगा धनात्मक तभी धनात्मक लगाना है, ठीक है ना। ऐसे तो स्थिर हो जाएंगे, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, ए नंबर बिल्कुल सही देंगे। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे डीआर। तो कहा जा रहा है कि नमन कौन का मान, नमन कौन का मान उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। देखो, नमन कौन का मान है डीआर, उसमें जो होता है विषुवत रेखा का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो घट जाता है, यानी कि दोस्तों डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है ना। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि नमन कौन का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर यह घट जाता है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी अगर करना चाहते हैं 35 में 35, ठीक है ना, तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना, प्ले लिस्ट यार बना हुआ है, एकदम भौकाल मचा देना, ठीक है ना। 500+ ऑब्जेक्टिव पा लीजिए और चैप्टर वाइज चैप्टर पे बिल्कुल एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा, एकदम बिल्कुल वादा है। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि अन्योन प्रेकत्व, अन्योन प्रेकत्व का जो ए सही मात्रक होता है या स्वीय प्रेकत्व का, उसका क्या होता है। तो आप लोग को पता है वेबर तो या चुंबकीय फ्लक्स का होता है, इसलिए वेबर तो कभी कल्पना मत करना, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर ओम होता है प्रतिरोध का, रिएक्टेंस का प्रतिबाधा का, तो ये भी नहीं होगा। हेनरी होता है दोस्तों स्वप्रेकत्व का और प्रेकत्व का, इसलिए बिन सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही देंगे। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रा गॉस होता है या डी कल्पना मत करो, ठीक है ना। हेनरी बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो मेरे प्यारलाल ऑप्शन नंबर सी को यह सेलेक्ट किया बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो अन्योन प्रेकत्व का जो मात्रक होता है हेनरी होता है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएंगे। चलो, हाइड्रोजन बम जो आधारित है दोस्तों किस पर आधारित है, ठीक है ना, आप लोग इसका कमेंट करो। हाइड्रोजन बम है दोस्तों किस पर आधारित है। चलिए, इसका तो दोस्तों नाभिकीय सलियन होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही देंगे। नाभिकीय सलियन पर यह दोस्तों आधारित होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है ना। किस पर? तो नाभिकीय सलियन पर। हाइड्रोजन दोस्तों बम में बेसिडोन कितना, तो दोस्तों आप लोग को नाभिकीय सलियन पर याद रखना न्यूक्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, कैथोड किरण होते, देखो काफी इजी क्वेश्चन है। कैथोड किरण जो होते हैं स्टूडेंट कौन होते हैं बताओ आप लोग। कैथोड किरण दोस्तों ऐसे तो ऋणात्मक होते हैं, लेकिन आप लोग का कैथोड किरण होती है तो इलेक्ट्रॉन होती है डीआर, ठीक है ना। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, कैथोड किरण जो होती है इलेक्ट्रॉन होती है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कैथोड रे जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो विद्यार्थी, यह सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना। इसमें देर नहीं करना चैनल को सब्सक्राइब करने में, क्योंकि हम आपको दोस्तों दोनों मीडियम के छात्रों के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर देखोगे 6 नंबर क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है। यह 2021 में आया हुआ क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ सी बी स्क्वायर होता है, हाफ सी बी स्क्वायर। यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यह रहेगा, याद रखना हाफ सी बी स्क्वायर होता है, सी बी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ सी बी स्क्वायर होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे डीआर। चलिए, देखो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जो राशि समान होती है वो कौन होती है बताओ। तो डीआर आप लोग बिल्कुल गर्दा छुड़ा दोगे, बताओ। कहा जा रहा है डीआर कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि है वो दोस्तों समान होती है।
देखो क्या करा समानांतर की बात करा तो यार कभी धारा मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों समानांतर पूछा इसलिए धारा नहीं होगा, श्रेणी क्रम नहीं पूछा, ठीक है ना। विभांतर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विभांतर हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रतिरोधक के समानांतर क्रम में जो समान रहने वाले राशि है दोस्तों वो विभांतर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए एकदम बिल्कुल आंसर को ठोकते जाना है, क्योंकि यह सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के जो बीच का कोण कहलाता है दोस्तों दिक्पात कहलाता है, ठीक है ना। दिक्पात कहलाता है, क्या कहलाता है? दिक्पात कहलाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के जो बीच होता है कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। बतलाओ आप लोग कमेंट करना डियर, एकदम बिल्कुल बेहतर तरीके से। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान बतलाओ, कमेंट करो कितना, 90 डिग्री या 0 डिग्री। चुंबकीय दोस्तों ध्रुव पर नमन कोण का पूछेगा तो 90 डिग्री, लेकिन विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 0 डिग्री, याद रखना दोनों क्वेश्चन को। चलो यहाँ पर देखोगे डियर 9 नंबर क्वेश्चन, तो क्या कहा जा रहा है कि भेट स्टोन सेतु से तुलना करता है। देखो भेट स्टोन दोस्तों सेतु से तुलना करता है, कौन तुलना करता है डियर बताओ, तो आप लोग बिल्कुल गाधा थो याद होगा आप लोग, ठीक है ना। चलो देखो भेट स्टोन सेतु से जो तुलना करता है डियर, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यार प्रतिरोध होगा कि धारा होगा कि विभांतर होगा, इसका आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे आशा है डियर कि बिल्कुल आप लोग ए या तो बी या तो सी या तो डी कोई ए नंबर ऑप्शन यार कमेंट करेंगे, ठीक है ना। भेट स्टोन सेतु को तुलना करता है डियर, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करना, और याद रखना भेट स्टोन जो सेतु होता है दोस्तों तुलना करता है तो उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों का यार करता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना, देखो भेट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है डियर, आप लोग कमेंट करो, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VBI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि भेट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लगाइए 10 नंबर क्वेश्चन का कि भेट स्टोन सेतु का जो उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों यूज जो करते हैं किसके लिए करते हैं। अगर ध्यान से मेरे बात को समझ रहे होंगे आप लोग को पता चल गया उच्च प्रतिरोध एवं निम्न प्रतिरोध के मापन में, समझ रहे हो ना। बिल्कुल सी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे कि भेट स्टोन सेतु जो उपयोग होता है उच्च एवं अल्प प्रतिरोध के मापन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का किया गया है। कहा जा रहा है कि विद्युतीय क्या कहा जाए, विद्युतीय चुंबकीय तरंग, ठीक है ना। चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के जो बीच का जो कलांतर होता है π/2 होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग यह होना चाहिए, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग तथा चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कलांतर होता है डियर वो π/2 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए बेटा केंद्र जो होता है दोस्तों विक्षेपित होता है, देखो बेटा केंद्र जो विक्षेपित होता है डियर स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है, सो डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पहले से आप लोग को आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करते जाना, ठीक है ना यार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना चुंबकीय बेटा के ना जो विक्षेपित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र दोनों में, ऑप्शन नंबर डी हो गई। चलिए चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर, तो कहा जा रहा है कि किसी वास्तु के हाँ के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होगा, ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं। चलिए थोड़ा दोस्तों साइज इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइपिंग में साइज करना दोस्तों जो होता है बड़ा करना भूल गए, ठीक है, 11 पर आ गया था। चलो बताओ आप लोग कि किसी वास्तु का जो मनुष्य की आँख के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। देखो किसी वास्तु का यार प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखोगे तो डी नंबर में दिया गया है यार, प्रतिबिंब तो बनता मानव की आँख के रेटिना पर, लेकिन दोस्तों वास्तविक और उल्टा बनता है, डी नंबर से हो जाएंगे। ये 10th का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, 10th में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए काफ़ी दोस्तों छोटे छोटे बैठ हो गए, ठीक है ना, चलो अगली बार से नहीं होगा ऐसा। चलो देखो 14 नंबर क्वेश्चन और लगा दो आंसर। कहा जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि यार परिवर्तित नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आप लोग क्या लगा दोगे फ्रीक्वेंसी, तो लगा दीजिए। चलो समय तो कभी होगा नहीं डियर, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगाना बिल्कुल सही है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो कौन परिवर्तित होती है, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। चलिए
देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी हलवा वाला क्वेश्चन क्लास टेंथ का, उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो उत्तर लेंस के द्वारा दोस्तों हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं, दूर दृष्टि दोष। और अगर बात करें अवतल लेंस की तो इसके द्वारा निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। चलो ये सब यार बेसिक नॉलेज है तो आप लोग याद रखना, बी नंबर बिल्कुल सही देंगे। उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग जो निवारण करते हैं डियर, किसका निवारण करते हैं तो यार दूर दृष्टि दोष का, ठीक है ना। चलो डायोड का उपयोग करते हैं दोस्तों तो दृष्टि कार्य के भांति करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायोड का उपयोग करते हैं तो दृष्टि कार्य के भांति, ठीक है ना। चलो डायोड का जो यूज करते हैं डियर किसके रूप में तो दृष्टि कार्य के भांति। देखो क्षीणता मापने वाला जो आप लोगों का सही मात्रा का है वो क्या है, क्षीणता जो मापने वाला दोस्त होता है उसका मात्रा जो सही है वो कौन है, क्षीणता मापने वाला, तो याद रखना डेसिबल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो विद्यार्थी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि क्षीणता मापने के लिए दोस्तों डेसिबल का उपयोग करते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो विद्यार्थी यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं, बिल्कुल 101% गारंटी देता हूँ। डियर रेगुलर क्लास करो यार, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, ठीक है ना, तीनों में से कोई हो डियर, आप लोग यार रेगुलर क्लास करो क्योंकि भौकाल मचा देंगे, ठीक है ना। यहीं सब क्वेश्चन आप लोग को यहीं में से चुने जाएंगे, अर्थात यहाँ से नहीं लेकिन बुक से, लेकिन बुक से अपन ने कवर किए हैं क्वेश्चन। चलो छह गुणांक का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट करो, छह गुणांक का मात्रक क्या होता है, क्या हर्ट्ज होता है, क्या मीटर होता है, क्या प्रति मीटर, तो कि इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग कमेंट करो। देखो छह गुणांक का दोस्तों जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हर्ट्ज हो जाएंगे, ठीक है ना, एकदम भौकाल मचा देना और याद कर लेना सभी क्वेश्चन को, क्योंकि यही सब क्वेश्चन मैं बार बार बोलूँ डियर, आएंगे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना को बस याद कर लो, ठीक है ना, अलग से जरूरत नहीं है, आप लोग चैप्टर वाइज अलग से पढ़ लो यार, और भी मजबूत हो जाओगे, ठीक है ना, एकदम पहाड़ की तरह दोस्तों एकदम जटिल हो जाओगे, ठीक है ना। याद कर लेना यार, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग वीडियोस को जा करके अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है ना, चैप्टर वाइज आप लोग को मिल जाएंगे। चलिए देखो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, देश के लिए छाप गया क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो लगाओ डियर कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करते हैं प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करते हैं, कौन कौन लोग यार सहमत है। चलिए उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा दोस्तों किस पर डिपेंड करेगी, चलिए आप लोग लगाओ आप लोग। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम बिल्कुल प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है डियर, ऑप्शन नंबर बी को ही सेलेक्ट करना, बाकी ऑप्शन को यार नज़रअंदाज कर देना, ठीक ना, इग्नोर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, क्या है तो ऊर्जा, ठीक है ना, याद कर लो डियर। यही सब क्वेश्चन मैं कैसे आप लोग को बताऊँ, बोलो कैसे बताऊँ, क्यों आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल दोस्तों जुबान से बोल खाली सकता हूँ, ठीक है ना, कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दर्शा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग को दोस्तों सबूत दे सकता हूँ कितने क्वेश्चन एग्जाम में यार पूछे जाते हैं, कौन से बुक, तो दोस्तों भारतीय वंश, ठीक है ना। चलो एकदम बिल्कुल इसका राइट आंसर लगा दो कि प्रकाश बस किस राशि का भौतिक मात्रक है। देखो प्रकाश बस जो मात्रक होता है दोस्तों डिस्टेंट यानी कि दूरी का होता है, ये भी लगभग दोस्तों मुझे याद है कि बेस में यार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, जितना बता रहा हूँ यार याद कर लो, ठीक है ना, मैं बार बार यही कहना चाहूँगा क्योंकि कुछ विद्यार्थी यही कमेंट करते हैं क्या लड़ेगा पढ़ा रहे हैं जो, तो मैं दोस्तों किस लिए पढ़ा रहा हूँ, यही ना कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यार काम आए, ठीक है ना, आएंगे क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म रहना है 101%। चलिए प्रकाश वर्ष किस राशि भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का है, ठीक है ना यार, तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलो डियर यहाँ पर देखोगे पतले फिल्म के लिए न्यूनतम विचलन को कौन के लिए दोस्तों सूत्र याद रखना है, -1, ठीक है ना, -1 याद रखो, बस कुछ नहीं याद रखना है। अब सोचोगे -1 तो किस में दिया गया है, -1 इसमें नहीं दिया, खत्म हो गया, इसमें नहीं दिया, खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन बच गया। अब आप लोग को पता है डियर कि ए या तो पहले आएगा या तो आप लोग का पहले बाद में ए आएगा, लेकिन यूम्यू -1 अंतर होगा, ठीक है ना, अंतर क्या होगा, यूम्यू -1 ये आप लोग का ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ पर -1 होना चाहिए, इसके आगे यार क्या होना चाहिए, यूमी होना चाहिए, ठीक है ना, यूमी होना चाहिए, तो आप लोग देख पाओगे यार, तो यहाँ से बिल्कुल भौकाल मचा रहे हो आप लोग, ठीक है ना।
चलो एकदम बिल्कुल भाव काल मचा देंगे, यही सब क्वेश्चन आएंगे डियर, जो आप लोग को याद रखना यूम्यू माइनस वन होंगे, बस इतना याद रखना, और बागल में ए या तो शुरू में ए, दोनों उत्तर दोनों में से कोई तरफ दे देगा, लेकिन याद रखना है कि पतले प्रेजेंट के लिए न्यूनतम विचलन कौन होगा, माइनस में होगा, माइनस वन होगा, उसके आगे यूम्यू का जो म्यू होता है डियर, म्यू जो आप लोग का ये इसका रहना एकदम बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है ना। तो याद रखना डियर ये क्वेश्चन पक्का आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार यार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, अगर यकीन ना हो तो यार याद करने में क्या जाता है, उससे पहले आप लोग का सेंटअप एग्जाम होगा यार 2022 में, ठीक है ना, इंटरनेट मॉडल पेपर 2023 के लिए जा रहे, इतना आप लोग को मौका मिलेगा पराखने का, ठीक है ना, या तो इस साल का आप लोग का अगर जो एग्जाम होगा कंपार्टमेंटल का उसका भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। अगर पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो डियर तो आप लोग बिल्कुल पीडीएफ कोर्स को यार ले सकते हो, ठीक है ना, काफ़ी दोस्तों जो होता है कम राशि रखें। चलिए यहाँ पर देखोगे तो कहा जा रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है, तो आप लोग कमेंट करो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, ये आप लोग क्लास 8 तक के 9 तक के विद्यार्थी जानते होंगे, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है और 2.42 होता है। मैं पूछो दोस्तों आपसे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा एक बात, ठीक है ना, कमेंट करना जी, ठीक है ना, देख एक बात आपसे पूछता हूँ, आप लोग बिल्कुल कमेंट करना है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों 2.42 होता है कि नहीं, बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछूं हीरा का यार कोई क्रांति कौन, कोई विद्यार्थी बता देगा कमेंट बॉक्स में कोई क्रांति कौन, ठीक है ना, जैसे कि मैं अपन आप लोग को जल का बतला चुका है, ठीक है ना, जल का बता चुका है कितना 48.75 लगभग ऐसे ही बतला चुके, 48 नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग हीरा का यार क्रांति कौन बतला दो, ठीक है ना, तो बेहतर होगा। देखो हीरा का लगभग में दोस्तों 24.41 होता है दोस्तों क्रांति कौन, ठीक है ना, और अपवर्तनांक पूछेगा 2.42, यार दोनों क्वेश्चन को याद रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यार गेस किया इसीलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, याद कर लो, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। चलो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संराक्षी होता है, किसका किसका दोस्तों लगता है कि सही है, चलो आप लोग लगाओ कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, संराक्षी होता है या असंराक्षी होता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में यार अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले, ठीक है ना। चलो और वीडियो का भी प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो कैसा लगता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है डियर स्टूडेंट संराक्षी होता है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे डियर, ठीक है ना, क्यों होते हैं स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होते हैं संराक्षी होते हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे डियर, भौकाल मचा दिए आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। देखो यार आप लोग बीमा ना निकालना जानोगे तो यार कैसे चलेगा चलेगा काम, और आप लोगों का दोस्तों मिल का पत्थर मैं मानता हूँ अवेश की बीमा 80 को, देखो कैसे, जैसे कि अपन जानते हैं कि मैं देखो यहाँ से भी बराबर डब्ल्यू वाई क्यू का, यानी कि हम लोग जैसे कि निकालने करा गया विभव का, ठीक है ना, पोटेंशियल का हम लोग को निकालने करा गया विभव, लेकिन आप लोग को पता ही ना हो जब अवेश का बीमा क्या होता है जबकि 80 होता है, और जब ये पता ना होगा तो कैसे हम लोग विभव की या दोस्तों पोटेंशियल के हम लोग बीमा वगैरह को सोच सकते हैं, इसीलिए कहता हूँ अवेश का बीमा याद रखना, क्या होते हैं कमेंट करो, अवेश का जो बीमा होता है डियर स्टूडेंट 80 होता है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछूँ अवेश कैसी राशि, कोई कब कमेंट करेगा अधिश राशि, लेकिन देखो अवेश जो होता है दोस्तों अवेश का मात्रक कुलाम्ब होता है या एक अधिश राशि है, ठीक है ना, अवेश का मात्रक कुलाम्ब होता है। चलो एक बात और, हाँ एप्सिलॉन नॉट का कोई मात्रक बता दो डियर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आने वाला है, मैंने कवर किया आज के वीडियो में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या, आप लोग कमेंट करते रहो, ठीक है ना, फराड फराडे बटे मीटर। चलिए यहाँ पर देखोगे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया है, कहा क्या जा रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जो होता है कैपेसिटेंस का जो मात्रक होता है डीआर, तो आप लोग को बता रहे कि धारिता का मात्रक क्या होता है, क्या वोल्ट होता है, कभी कल्पना मत करना वोल्ट का यार, वोल्ट जो होता है विभव का होता है, विभवांतर का होता है, विद्युत भाग बल का होता है विभव, इसलिए विभव की कल्पना मत करो, न्यूटन दोस्तों बल का होता है ये कल्पना मत करो, शक्ति का मात्रक वाट होता है ये मत कल्पना करो, ले दे करके ऑप्शन नंबर सी बचता है, क्या डियर लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, जो लास्ट ऑप्शन आप लोग को पास दो बचता है डियर, वो दोस्तों आप लोग का फैराडे बचता है, क्या आप लोग सहमत हो इस आंसर, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यार कमेंट देना ना भूले, ठीक है ना, बिल्कुल फैराडे ही होंगे, फैराडे वाले दोस्तों क्या होता है,
तो याद रखना फैराडे का संधारित्र का मात्रक जो होता है फैराडे होता है। फैराडे बराबर क्या होता है, एक फैराडे इक्वल क्या होता है, कुछ यार 96,500 कूलम्ब जानते होंगे, वो भी सही है ठीक है ना। चलो एक फैराडे बराबर क्या होता है बताओ, एक फैराडे बराबर क्या होता है डियर, आप लोग कमेंट करना है। एक फैराडे इज इक्वल टू क्या होते हैं, एक फैराडे इक्वल टू क्या होते हैं, देखो एक फैराडे जो होते हैं डियर कितने इक्वल होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होते हैं कूलम्ब बटे वोल्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो भी विद्यार्थी लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही है। एक फैराडे जो होता है कूलम्ब बटे वोल्ट के इक्वल होता है, सो डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलो काफी इंपॉर्टेंट, क्या बतलाएं यार इस क्वेश्चन के बारे में, क्या बतलाऊं, इस बार पूछा गया था पास में, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो भौकाल मचा देना। ये सब क्वेश्चन अब 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, सारे बोर्ड एग्जाम में यार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ध्रुव प्रबलता का यार मात्रक पूछा है ठीक है ना। जितना भी एग्जाम होंगे डियर काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग दोस्तों एयरफोर्स के, चाहे आप लोग एनडीए के कुछ भी की तैयारी कर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना। ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है आप लोग को कमेंट करना और डाउट को यार क्लियर कर लेना है। देखो आप लोग सोचेंगे ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर है, तो बिल्कुल ए नंबर गलत हो गया, बी नंबर की कल्पना मत करना, सी नंबर कभी टेस्ला नहीं हुआ, तो एम्पियर मीटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डियर, तो याद रखना एम्पियर मीटर हो जाएगी, एम्पियर और मीटर ठीक है ना, एम्पियर और मीटर हो जाएंगे डियर ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं धारा घनत्व तो का बतला दोगे, तो बिल्कुल बतला दोगे डियर आप लोग ठीक है ना। चलो देखो ध्रुव प्रबलता का पूछेगा तो एम्पियर मीटर और धारा घनत्व का पूछेगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ठीक है ना। तो ध्रुव प्रबलता का ए सही मात्रक पूछ रहा है दोस्तों, द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, तो क्या हो जाएंगे, तो याद रखना यार एम्पियर मीटर होते हैं ध्रुव प्रबलता का ठीक है ना। याद हो गया ना, याद हो गया ना डियर, मैं यहीं पूछना चाहूँगा, याद कर लो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो अब इसमें गलत नहीं होगा आप लोगों का ठीक है ना, बिल्कुल बतला दोगे मुझे पता है। धारा घनत्व का ए सही मात्रक पूछा दोस्तों करेंट डेंसिटी ठीक है ना, तो आप लोगों को बतलाना है धारा घनत्व का ए सही मात्रक द यूनिट ऑफ करेंट डेंसिटी ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है ठीक है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है डियर। तो जो भी विद्यार्थी या सी नंबर को सेलेक्ट किए हैं उनका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, धारा घनत्व बराबर जो होता है एम्पियर के पावर, एम्पियर मीटर के पावर माइनस, तो या तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल एकदम का सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं होंगे यार, जो बोर्ड एग्जाम है यार क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को मद्देनजर तैयारी कराया जाता है। आप लोग को यकीन हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर यकीन ना हो तो आप लोग अपने मर्जी से चलिए ठीक है ना। मैं आप लोगों को यार क्यों इतना मेहनत कराऊं ठीक है ना, आप लोग अगर मानते हो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल को यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए धारा घनत्व तो दोस्तों कौन मात्रक क्यों देंगे, तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए एकदम भौकाल मचाना, वीडियो जो छोड़कर जाएगा यार बहुत ही पछताएगा, बहुत पछताओगे ठीक है ना। चलिए चलो यहाँ पर चुंबकन तीव्रता का यार मात्रक पूछना है, तो आप लोग यार कमेंट कर दोगे बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया। चलिए चुंबकन की तीव्रता का यार मात्रक, या चुंबकन भी खाली पूछेगा तो भी वही बात है ठीक है ना, चुंबकन ठीक है ना, चुंबकन का मात्रक यार पूछा तो देखो एम्पियर मीटर तो ध्रुव प्रबलता का होता है, कल्पना मत करना, न्यूटन तो यार जानते ही हो कि बल का शक्ति का मात्रक यार बराबर होता है, ये तीनों तो ऑप्शन ऐसे ही कट जा रहा है। तो सो डियर अगर आप लोग ए नंबर लगाना चाह रहे हो और बिल्कुल लगाए भी हो तो बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एम्पियर मीटर इनवर्स हो जाएंगे डियर, जो भी विद्यार्थी ए नंबर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे एम्पियर मीटर इनवर्स, यानी कि एम्पियर बटा मीटर ठीक है ना, यानी कि अगर एम्पियर बटा मीटर नहीं देगा तो एम्पियर मीटर इनवर्स दे देगा ठीक है ना, दोनों बात बराबर। तो यार देखो किसके किसके लिए दोस्तों मात्रक होता है, दो के लिए होता है, एक चुंबकीय दोस्तों तीव्रता होता है ठीक है ना, चुंबकीय तीव्रता होता है डियर, एक होता है दोस्तों चुंबकन की तीव्रता ठीक है ना। याद रखना दोनों के लिए जो मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डियर, क्योंकि हम लोग भौकाल मचा रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे डियर भौकाल मचा रहे हैं, एम्पियर बटे मीटर होता है, ये अपन ध्यान रखेंगे एम्पियर बटे मीटर होता है। किसके किसके लिए,
तो याद रखना चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के लिए दोनों के लिए तो ये डियर स्टूडेंट जो होता है ना एम्पियर पर मीटर होता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर। और ध्रुव प्रबलता का पूछेगा तो एम्पियर मीटर होता है, ठीक है ना। चलो भौकाल मचा देंगे डियर, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। धारा घनत्व का एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो देखो चुंबकीय तीव्रता का मैं कहूँगा डियर, देखो यहाँ पर मैं 100% सही बोलूँगा, बिल्कुल 100%। देखो 100% डियर कहूँगा, सब विद्यार्थी ए नंबर कमेंट करेंगे क्योंकि चुंबकीय तीव्रता का मैंने बोला एम्पियर पर मीटर होता है। मैंने अभी बोला था कि नहीं डियर कि एम्पियर चुंबकीय तीव्रता का पूछेगा तो एम्पियर पर मीटर हो जाएंगे। अब विद्यार्थी ए नंबर लगा रहे होंगे, लेकिन मैं कहूँगा उनका 100% नहीं लेकिन 50% गलत उत्तर है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों चुंबकीय तीव्रता का मात्रक आप लोगों ने बिल्कुल ए नंबर सही लगा, लेकिन मैं कहूँगा गलत है क्योंकि चुंबकीय तीव्रता का एक और मात्रक ओस्टेड होता है। सी नंबर बिल्कुल फाइनल आंसर होगा, सी नंबर बिल्कुल सही होंगे डियर, क्योंकि चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होगा दो मात्रक होगा, क्या हो जाएंगे एम्पियर पर मीटर भी हो जाएंगे, साथ में दोस्तों ओस्टेड भी हो जाएंगे। और दोस्तों चुंबकीय चुंबकन की तीव्रता का एक मात्रक वो क्या होता है एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना, ये वाला खाली चुंबकन की तीव्रता का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता के लिए दो मात्रक कौन कौन, तो डियर याद रखना क्या, तो एम्पियर पर मीटर और ओस्टेड, ये दोनों के लिए होते हैं, ठीक है ना डियर। एकदम भौकाल मचा देंगे हम लोग यार। चलो वीडियो को लाइक जो जो नहीं ठोके यार प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, कंजूसी करने में यार क्या जाता है कोई। चलो देखो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार। प्रकाश के रंग का कान क्या है, प्रकाश के जो रंग का कान है डियर क्या इसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, क्या इसका दोस्तों वेग होना चाहिए। चलिए प्रकाश के रंग का जो कान होता है दोस्तों इसकी आवृत्ति हो जाती है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रकाश के रंग का कान आवृत्ति होता है, यार मैं कैसे बताऊँ आप लोगों के लिए, जो यार विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सोच कर जाएंगे कि यार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये सोच कर गएंगे यार कितना पछताएंगे यार इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताऊँ कि ये बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार 2022 के लिए जो जारी हुआ था डी एस टी इंटरनेट मॉडल पेपर उसमें भी आया था। तो मैं कह रहा हूँ डियर यही कहना चाहूँगा जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना बिल्कुल आएंगे, एकदम बिल्कुल 100%। जो विद्यार्थी यार यकीन नहीं करेंगे वो अपने आप से कैसे यार वादा करेंगे कि 90% और 80% कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना यार। याद रखना प्रकाश के रंग का कान जो होगा इसका आवृत्ति होगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये देखो एक पतले फिल्म का रंग का कान पूछ रहा, आप सोचो आप लोग ऑप्शन की यार क्या जरूरत है, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर दोगे। एक पतले फिल्म का रंग का कान यार व्यतिकरण होता है, तो अपन देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देखो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है व्यतिकरण, ठीक है ना, क्या दिया गया है व्यतिकरण। आप लोगों से पूछो व्यतिकरण की परिभाषा तो आप लोग दे सकते हो, द रीजन फॉर द कलर ऑफ ए थिन फिल्म, ठीक है ना। देखो व्यतिकरण की परिभाषा पूछे तो जब एक ही तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के दो तरंग एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, उससे हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। देखो आप लोग बिल्कुल याद कर लोगे यार, शर्त यही है, क्या शर्त कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आना चाहिए जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव तो यार जाहिर सी बात है आप लोग समझ लोगे, ठीक है ना, इसमें कोई समझाने की बात, लेकिन थ्योरिकल जो होता है समझने की कोशिश करोगे यार, अगर समझ गए तो यार नैयप्पा, ठीक है ना, याद हो जाएंगे। लेकिन आप लोग अपने तरफ से भी दिमाग लगाओ यार, हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, ऐसा गुण विकसित करो, ठीक है ना। जैसे कि यार बोलने से पहले मनुष्य को अपने अंदर जो होता है विकसित करना चाहिए बोलने का तरीका, उसी प्रकार से अपने अंदर आप लोग परिभाषा याद करने के यार गुण विकसित कर सकते हो, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग को 100% समझ में आएगा तभी याद होगा, ठीक है ना, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मुझे भी दोस्तों का नहीं समझ में आता था, मान लीजिए फिजिक्स वगैरह में थ्योरी का, ठीक है ना, जो थ्योरी होता है सब्जेक्ट की, तो मैं अपने आप से यार परिभाषा बना लेता था, ठीक है ना। जैसे कि अगर नहीं समझ में बुक का यार, तो अपने आप से परिभाषा जो होता है उसी को यार जो बुक में दिया है उसी को अपने आप से बनाते थे। चलो देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है बिल्कुल अनुप्रस्थ होती है,
विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चुंबकीय प्रतिध्वनि अनुप्रस्थ होते काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए नंबर हो जाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो तरंगों की जो प्रकृति होते अनुप्रस्थ होते काफ़ी बार यार पूछा गया, तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुप्रस्थ हो जाएंगे। चलो भाव काल मचा दिए आप लोग। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बोला था, क्या बोला था कि एब्सन नॉट का मात्रक क्या होता है। मैंने बोला था कि फैराडे बटा मीटर होता है, ठीक है ना, फैराडे मीटर इनवर्स। अब आप लोग सोचो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो यार बी नंबर लगा दूँगा, फैराडे बटा मीटर। फैराडे मीटर ये तो यार किसी का ना न्यूटन बल का होता है, कर का जुल होता है, यार नहीं होगा। तो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एब्सन नॉट इसका जो मात्रक होता है फैराडे बटे मीटर होता है। देखो यहाँ पर एब्सन नॉट नहीं लिखा है, ई नॉट लिखा गया है, ठीक है ना। तो याद रखना एप्सिलॉन एक नोट होता है, ठीक है ना, एप्सिलॉन नोट। तो डियर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा एक दोस्तों मात्रक होता है, तो बाढ़ शक्ति का होता है कल्पना मत करो, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो बी नंबर भी कल्पना मत करो। हेनरी का मात्रक और स्वीय प्रकृतों का मात्रक और प्रकृतों का मात्रक हेनरी होता है, कल्पना मत करना। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, लगा दो या डी नंबर तो बिल्कुल खुशी होगी। चलिए देखो वीडियो तो लगभग देखते हैं दोस्तों बहुत से स्टूडेंट, ठीक है ना, मोस्टली जो देखते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स है ना वो बिल्कुल फ्री रहता है, आप लोगों के लिए कमेंट का इंतजार करता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो यार, वीडियो देखा अपना काम बना चलते बनो, ठीक है ना, अपना काम बना चलते बनो, ऐसा नहीं करना। वीडियो में कमेंट करो, वीडियो से यार कैसे लगो, नॉइस वगैरह लिख दो, जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करो, ठीक है ना। चलो पीडीएफ वगैरह और भी पढ़ने के लिए तो चलते हैं वेबसाइट पर, ठीक है ना डियर। क्या सर्च करना है गूगल पर, तो आप लोगों को यहाँ से सर्च करना है educationlecture.com। देखो ध्यान से समझना, educationlecture.com क्या किस पर सर्च करना है, तो गूगल वेबसाइट आप लोग का क्रोम होगा, उसमें आप लोग सर्च कीजिए educationlecture.com और वहाँ से पीडीएफ वगैरह यार इंक्लूड किया जा रहा है, तो लगभग में दोस्तों जुलाई तक पूरा किया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर 9142521934 पर यार मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ कोर्स आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है ना। चलो भौकाल मचाते हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और शेयर करना तो आप लोग को यार परंपरा है कि बिल्कुल शेयर करोगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शेयर कर देना है बिल्कुल। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।